हमार लव स्टोरी पार्ट वन में आप मन देखे हो कि पहली बार मैया देवी जिला कहाँ देखे हो। अब आगे सीजी के पारस इला देखे हो वे करो पर ट्राई करे हो और गे हो और मैं के हो कुछ अभी कुछ अनाउंसमेंट हुआ क्या है सब बोल के जबकि अनाउंसमेंट के टाइम पर वो वहाँ पे खड़े थे और सब कुछ सुने भी थे। मैंने भी देखा था कि सुने हैं फिर मैं सोची क्यों पूछ रहा है ऐसा करके फिर चलो हुआ है ऐसा करके बोल दी तो कब शुरू हो गया ऐसा करके भी पूछे तो मुझे लगा दूर खड़े थे तो नहीं सुनाई दिया होगा करके। फिर और क्या क्या पूछा मैंने उतना ही फिर मौका मिलते ही पास जाके बैठे फिर अपने टर्न का इंतजार करें तब तक जो मौका मिला बातें की। मैंने इनको पूछा कि आपका क्या नाम है जहाँ तक मुझे ध्यान है नाम पूछा हाँ। मुझे तो याद नहीं मेरे नाम बताया। अब कोई व्यक्ति पहली बार मिलेगा तो क्या बोलेगा क्या नाम है आपका ही तो बोलेगा क्या मुझे यहाँ तक ये याद है कब शुरू हुआ ऐसे करके कुछ आया फिर मोबाइल आपका सूट करने के लिए क्योंकि आपका टर्न पहले हाँ मोबाइल मैंने ना इनको ये चीज मैं नोट डाउन करना भूल गया इन मतलब एला में अपना अपन मोबाइल दे कि मोर मोबाइल धर और जो है ना अभी मैं योगा कर रहा हूँ शूटिंग कर बेस इनके मेमोरी कार्ड वो करके कुछ किए थे ना मेमोरी कार्ड में जिसपे कम शूटिंग होता था अनमाउंट या कुछ बोलते ना सीधी सी बात यह है कि मोबाइल में मेमोरी कमरी से तेकर सिती जो है शूटिंग नहीं हो पैसे थोड़ा सा हुआ हा? उसके बाद मैंने छोड़ दिया जब मतलब मोबाइल में मेमोरी कार्ड रही से फुल मेमोरी भी रही से लेकिन वो मैं हाँ मेमोरी ला अनमाउंट कर दे रहे हो मतलब चिप हाँ मोबाइल में लगे रही से फिर भी और नहीं लगे रही से ऐसे सेटिंग कर दे रहे हो मैं ताकि कोई भी व्यक्ति चिप के जो है फोटो वोटो ना देख सके गर्लफ्रेंड की फोटो होगी एक्स की इसलिए तो फिर जो है ना फिर मैं एला जब दे तो वो टेक मेरे ऊपर भारी पड़ गया और मेरी शूटिंग ठीक से वहाँ पे हो नहीं पैसे तो फिर मेरे को क्या बोला धड़ाधड़ फोटो ही खींच लेते इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ऐसा तक बोल रहे थे डांट दिया था क्या आपको डाटा नहीं था डाटा नहीं था लेकिन प्रवचन दे दिया था। अरे यार इतना तो मतलब कॉमन सेंस होना चाहिए धड़ाधड़ फोटो ही खींच लेते लेकिन तब तो मैं जवाब नहीं दे पाई। अब मैं बताती हूँ आपका स्पेस खत्म हो गया था वीडियो शूट नहीं हुआ था तो फोटो भी तो क्लिक नहीं होता नहीं फोटो थोड़ा सा हो जाता स्पेस ना होने के कारण थोड़ा सा फोटो हो जाता करके जो आपका वो करे थे ना। मैंने पता है वहाँ पे ना एकदम ऐसा कठिन कठिन आसन किया था मैंने वो कि मतलब रेगिंग करने लगे चाहिए हो बताओ एक्स्ट्रा कुछ करके बताओ तो जज लोग जो है ना मेरे से अतिरिक्त सवाल करने लग गए ज्यादा टफ वाला पूछने लग गए क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं अच्छा हाँ ये तो आचार्य है तो उनको ज्यादा कठिन कठिन सवाल पूछने लग गए। सही तो है ना आपका थोड़े हमारे साथ कॉम्पिटिशन होगा आपका दम के जम के तो मेरे को ज्यादा कठिन वाले पूछे तो मैंने अपने हिसाब से जवाब दे दिया लेकिन पता नहीं उनको कैसा लगा। अच्छा जब मैं आपके पास बैठा था ना आपसे क्वेश्चन वेश्चन करने क्या करते हो ऐसे बोल रहे तो छोटी सी बच्ची जी 20 साल की उसको भी पूछ डाले क्या करते हो पढ़ने तो, वाला लड़का तो जो ये बोली कि मैं डांसर है हाँ और उस समय कराटा वगैरह भी थोड़ा बहुत सीखा रही से तो यहाँ ना अपन हाथ लेना ऐसे जो ये वाला हाथ है राइट हैंड वाला इसे टाइट करके इसे देखा टाइट किया हाँ ऐसे तो ये टाइट करी सा कि हाथ जो है कराटा करे से ना हाथ जो है फौलाद की तरह मजबूत आपने फौलाद बोला था पता है मुझे अभी भी याद है तो फौलाद की तरह मजबूत हो जाता है ऐसे बोल के तो हाथ लाए जब टाइट करी ना तो मैं ऐसे कर हाथ ला छू के देख पा रहे हो यार ऐसे ऐसे तो सच में एकदम मैं नहीं बोला टाइट छू के देखो कितना टाइट। अच्छा आपने बोला था ये देखो ये छू के देखो। अच्छा हाँ यार यहाँ पे ऐसे 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 पकड़ो अभी भी ना हाथ एक बहुत सॉलिड है लेकिन वो समय में है ना ये वाला पोर्शन ला छुए रहे यार ये तो तब भी तो ऐसे करने से ये टाइट हाँ तो वो समय कर हाथ में छू रहे खतरनाक टाइट हो गई इतना मैं मतलब थोड़ा ना शॉक भी होगा और यही वही बात से मैं इम्प्रेस भी होगा कह रहे बाप रे इतना मतलब जबरदस्त पावरफुल स्ट्रांग हाथ हाँ ये जबरदस्त है एकदम स्ट्रांग है यही इसी से आगे बढ़ना है। अच्छा ये भी तो फूलता है कितना देखो ठीक है तो ये चीज से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ उसके बाद फिर कंपटीशन करके आ गया मतलब जज के सामने प्रदर्शन करके और फिर ये भी प्रदर्शन करके आगे फिर हमन एक दूसरे के ना हेल दिखाए लग गए कि अच्छा ठीक है मोला ये चीज आते मैं ये करके दिखाता हूँ ये चीज आते ये करके दिखाते मोला हम दोनों नहीं थे दो और बच्चे भी हाँ एक जो है मेघा थी। अच्छा इंट्रोड्यूसिंग मेघा मेघा कौन है एक मितान हरे वो भी बहुत सुंदर है। अच्छा वो और एक नंबर जो हमको चिढ़ाती थी चिढ़ाने वाली ये हरे वो वीडियो जब हम ना कंपटीशन के बाद प्रैक्टिस करे लगे एक दूसरे ला दिखाए लगे कि हमला का आते तेला यहाँ पे ऐसे हो गए कि हमला चक्रासन करना रिसे तो हम 1 2 3 बोल के एक साथ चक्रासन करे हन मैं फ्रंट कैमरा ला ऑन कर दे रहे हूँ और चक्रासन करके हमला चलना रिसे लेकिन कोयला चले नहीं ऐसे मोला हल्का फुल्का आत रिसे लेकिन मैं चले नहीं हूँ और जो पीछे में लेकर रिसे वो एकदम गदगद गदगद चले
ब्लड लग गए देख सकते हो आप मन हा। और फिर मैं हाँ अपन हाथ दा पैर में टच करे प्रयास कर लग गए हो तब मेघा आ गए ही। अरे मेघा होकर मितानिन और फिर वह एकदम ऐसे छुआल लग गए मतलब ऐसे कि टच करो बस होने ही वाला ऐसे बोल के देवी जी आगे रुको रुको मोर से वो वाला नहीं होता मैं ये वाला करूँ ऐसे इनके। और फिर वो लजवाई से वो करने लग गए। अब मेघा काबर जो है पीछे हटी था वो आगे पूरा विभक्त आसन कर दी भू नमन आसन कर दी। अब देवी जी विभक्त आसन कर रहे थे देख सकते हो कितना ज़्यादा फ्लैक्सीबल रही से देवी जी वो समय बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सीबल। ये जो ड्रेस है ना ये कॉम्पिटिशन के दिन वाला है सेम टू सेम यही लुक रही होकर कॉम्पिटिशन के दिन यही लुक का यही छा है। और फिर मेघालय देखो कार्ट व्हील कर रहे थे कितना ज़बरदस्त है ये लड़का और सुपर डुपर जो है ना फ्लेक्सिबल इसे जो लड़का हरे ना ओकरे ही हरे देवी जी के चेला हरे मतलब शिष्य हरे। और फिर ये जो मेघा हरे वो अपन मछली वाला स्टाइल कर लग गए देखो मोले ये वाला भी आते चलो ऐसे करके दिखाओ ऐसे करके मोला तो भैया आत नहीं रही से तो फिर महू हट ट्राई करे हो फिर इसे लेटे हो और देखो ना कैसे करत हो चेला इतना हंसी आए मतलब वो समय से रिश्ते कुछ ना कुछ सीखना है तो फिर मतलब कुछ भी हो करे लग गए मैं हाँ बस यही बात है। अच्छा एक और बात हम जब ये सब प्रैक्टिस करते रहे तो हमारे लग बहुत जन आदमी मन देखा तरी से देखो कुछ कुछ मन के चेहरा भी कैप्चर हो गए है मोबाइल में। फिर जो है ना हम दोनों मन हाँ वो जगह ले निकल के दूसरा जगह आके एक दूसरे ला जो हमारे ला आते वो दिखाए लग गए और सिखाए लग गए तो मोला ना चक्रासन करके ऊपर उठना आदरी से उल्टा डायरेक्शन में और देवी जी ला जो है बकासन करना आदरी से मतलब कि हाथ में बैलेंस बनाना जो कि काफी कठिन होते हैं हाँ जो मतलब कि दोनों ला कठिन आसन आदरी से लेकिन अलग अलग आदरी से तो जो मोला आदरी से वो एला नहीं आदरी से और जो एला आदरी से वो मोला नहीं आता। लेकिन मैंने उसी दिन एक सेकंड में आपको कैसे सिखा दिया आपको नहीं आता तो एक आप मेरे को नहीं सिखा पाए। लेकिन ये है ना मोला हैंड बैलेंसिंग मतलब बकासन एक ही बार में सिखा दी दो सेकंड नहीं यार थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था ठीक है ठीक है शायद एक कारण ये भी है कि मैं एक बार में सीख गया कार की तो क्या मतलब आपको इम्प्रेस करना था ना मुझे आपने बोला मुझे नहीं आता मैं नहीं कर सकता हम लोग कर रहे थे मेघा और मेघा क्योंकि वो जो दूसरा छोटा एक लड़का था वो भी मेरा सिखाया हुआ था और मेघा भी मतलब मेरे एरिया की थी तो हम सबको आता था गुरु सेम थे हमारे तो मस्त कराते थे फिर हम दोनों ने किया तो मुझे नहीं आता ऐसे करके बोलने इतनी बड़े गुरु को कि नहीं आता खा ऐसे करके ना तो वो करने लगे तो गिरने लगे तो मैंने बोला ऐसे टाइट करो लॉक करो ऐसे करके ना सच में कर दिया मतलब ना लड़की के सामने ना सब करते हैं इसलिए मैंने कर दिया हो भी तो गया सीख भी तो हो भी गया सीख गया उसके बाद फिर मैं एक से एक बैलेंसिंग पोस्टर करने लग गया जो ये अभी तक नहीं सीख पाई सही बात है मतलब और ज्यादा मैं एडवांस हो गया मतलब उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था हुआ मैं थोड़ा छोड़ती गई हां ये छोड़ गई क्योंकि इसका ध्यान कहीं और चला गया पढ़ाई में कहीं और से फिर कुछ। ओकर बाद रोल आता है मोरमितान की सबसे ज्यादा लव स्टोरी में उसी ने कंट्रीब्यूट किया है। इधर आते जाते हम दोनों को देखो वो आ रहा है मुझे देख के देखो वो आ रहा है इनके पास जाके देखो वो आ रही है जाओ बात करो ऐसे करके बोलती थी जाओ उसके साथ डांस सीखो आचार्य जी से डांस सीखो और चिढ़ाती रहती थी आचार्य जी ऐसे करके। एक बात मैंने उसको डांट दिया ये ना दूर दूर से मेरे को देखते रहते थे और मैं यहाँ पे हूँ तो ऐसे जाते थे तो फिर ऐसे जाते थे तो मेगा बोलती थी देखो इधर से गए अब उधर से आएगा ऐसे करके बोलती रहती थी। तो एक बार मैंने ना ये इधर आ रहे थे मेरी तरफ तो मैंने मेघा को देख के डांट दिया मतलब क्या है तुम्हें ये क्या रोज चिढ़ाती रहती वैसे करके। मेघा को देख के मेरे ग्रुप के 25 के 25 लोग मेरे को चिढ़ाने लग गए आचार्य जी ऐसे करके। फिर ना मैंने मेघा को डांटा तो ये ना डरा गए मेरे को देख के फिर वो ना पीछे भाग गए। और लास्ट वाले दिन पे भी ना ये लेडीज सेक्शन में जा रहे थे तो मैंने पूछा इधर किधर किसको ढूंढ रहे हो लेडीज सेक्शन में जाके ऐसे बोल के तो बोले कि आपको ढूंढ रहा हूँ बाय कहने के लिए। फिर मेरा बैग उठा के बस तक छोड़ने गए मेरे को और ना बस तक जा रहे थे। अरे इसके पहले भी कई सारे स्टोरी बाकी हैं। हाँ तो सुनो ना सुनो ये याद आ रहा है बस पे जा रहे थे बैग छोड़ने तो रुको, ना रुको, मेरे ग्रुप वाले लोगों ने बोला अभी उसके पहले कई स्टोरी है वो बताता हूँ मैं। तो ये तो हो गया मतलब कंपटीशन वाला दिन कंपटीशन के फिर अब दूसरा दिन कहा थे कि दूसरे दिन अब सब जन लोग घर जाना है। नहीं नहीं उसके बीच में एक दिन था जिसमें आपने बच्चों को मंत्र पढ़वा के मेरे को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। तीन दिन हम रुके थे पहला दिन ऐसे चला गया पहला दिन ऐसे चला गया दूसरा दिन कॉम्पिटिशन हुआ तीसरे दिन भी रुके थे हम लोग चौथे में गए थे। अच्छा
तब आप खाना खाते वक्त मेरे साथ बैठने के लिए कितना ट्राई करते थे, आते थे ना नीचे बैठने के लिए, डाइनिंग टेबल में नहीं जाते थे, मैं और मेघा नीचे बैठते थे, पीछे पीछे आके ऐसे करके खा रहे थे, तो मेघा भी मतलब मजाक उड़ा थी, कैसे खाते हो ऐसे करके, मेघा हर चीज में हर किसी का, बेचारी छोटी सी बच्ची क्लास 9 में पढ़ने वाली, हर किसी का मजाक उड़ाती फिरती थी, वो करके हंसती रहती थी, बहुत ही ज्यादा हंसमुख थी और बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल थी। हाँ यार, उसका बॉडी ना हर दिशा में मुड़ जाता था। ये देखो मेघा भी रेडी है, अपन बॉडी ला गोल गोल मोड़े पर देख सकते हो कैसे अपन पैर ला पकड़ के एकदम आर पार लेके जावा थे, और फिर देवी जी भी कुछ कुछ ट्राई करे लग गए, देख सकते हो अपन लड़का मनसन पूरा धुर्रा धुर्रा माटी माटी योग के चक्कर में सब कर डरिस। फिर हम लोग खाना खाए और थाली लेने गए थे, तो हाँ मेरे लिए खाना परोस के लावे से बोले थे, उसी को तो मैं बता रहा हूँ कि ना जब हम जिस दिन हम लोग जाने वाले थे सब लोग मतलब, तो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा भीड़ लग गया था है ना, खाना लाए पर मतलब भोजनालय बहुत ज्यादा भीड़ लग गई थी खाना। हाँ, आपको भीड़ पसंद नहीं है? हाँ मतलब भीड़ पसंद नहीं है, तो फिर लड़की वाला मन के लाइन छोटे रही से, तो मेला की हमारे यार ये हो सकते कि मुर्बा खाना ला दी इनके, तो मैं क्यों मेरे लिए भी खाना ला दो ना ऐसे बोल के, फिर आपने क्या बोला? तो मैं बोली मैं तो नहीं लाऊंगी, ऐसे ही आपका नाम लेके मेरे को चिढ़ाते रहते, खाना लेके आऊंगी तो एकदम पूरा वो सब 100% कंफर्म हो जाएगा। हाँ, वो तो बोलो मेरा नंबर कैसे आपके पास गया? रुको ना, वो आगे आएगा। देवी जी तो खाना मरबा लईस नहीं है, फिर मैं का करे हूँ, जो आचार्य कुलम के जो लड़का रही से जेका मन साथ में हमेशा घूमत रहा हूँ, ये बात मैं पहले बताया पर भूला गए रहूँ, आचार्य कुलम वहाँ पे जो आचार्य कुलम है ओकर साथ घूमर कॉन्टेक्ट रही से, था वहाँ से भी जो लड़का मन गिरी से कॉम्पिटिशन में ओकर मन साथ में हमेशा घूमत रहा हूँ, खबर की आचार्य जी बोल के वही मन मतलब बोला रात दिन आचार्य जी कहा रहे, तो मतलब एक ग्रुप टाइप के ऐसे घूमत रहा झुंड में, तो फिर मैं लड़का मन लगे मोर पर खाना ला दो, तो लड़का मन हमारे पर खाना ला दिस, फिर मैं लड़का मन साथ खाने लग गया। खाए के बाद जो है ना अब का सब झनला घर जाना है, अब घर जाए से पहले का होते तब जन फोटो खिंचाते, तो सब जन फोटो खिंचाने लग गए ग्रुप में, मोर साथ फोटो खिंचाने लग गए, एक साथ फोटो खिंचाने लग गए, कई जन आदमी मर रहा है जेकर साथ फोटो खिंचाने लग गए, सब जन फोटो खींचे से तो एक दूसरे के अब फोटो ला देना है, तो कैसे दी, सब जन के एक दूसरे के नंबर ले हुआ थे, तो मेघा तो फटाफट नंबर दे दी, और मेघा के नंबर ला मैं से वो भी कर लूँ फटाफट, मैं पूछो तो शायद वो बता भी दे रही से, हाँ वो हाँ वो तो पर्सनल छोटी बच्ची रही ना, तो वो अपन पिताजी के नंबर ला बोला दे दी, उसका पर्सनल नंबर नहीं रही वो समय लड़का मन का पर्सनल नंबर नहीं रहा, तो अब बात ऐसे कोई हा एकर नंबर ला मांगे लग गए एकर फोटो भेजे पर ग्रुप फोटो ला, तो ये इतना स्पीड में बोला खतरनाक गद 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 गद, सामने वाला मतलब आधन लिखी से हाँ, तो वो सामने वाले नोट नहीं कर पाए, तो दो तीन बार बोल रही और उतना में ना अब मैं क्या मैं क्या करूँ, अरे बापरे मोहल नंबर चाहिए ऐसे बोल रही दिमाग टेक्नोलॉजी हाई टेक बाबा मोर नाम ऐसे नहीं पढ़े है, मैं सीधा हाई टेक दिमाग लगा हूँ, अपन मोबाइल लग खट ले निकाले हूँ, वॉइस रिकॉर्डर ऑन करे हूँ और सीधा रिकॉर्डिंग कर लें, जहाँ से बिंदास सेव करके रख लें, और बाद में रूपे गए हैं वाला स्लो मोशन में सुने हो, कबर की नॉर्मली सुनत रहे हो ना तो वो समझे नहीं आती से, रिकॉर्डिंग करे के बाद भी इतना ये फास्ट बोला थी से, तब मैं बोला स्लो मोशन में सुने हो और स्लो मोशन में सुने हो, तब बोला हाँ ये नंबर है, फिर सेव करे हो, सेव करे के बाद देला व्हाट्सएप में मैसेज करे हो, सबसे पहले व्हाट्सएप में मैसेज क्या करे हो आपको याद है क्या किया था? ओम बोला और क्या बोला? ओम तो बोलता ही हूँ और क्या बोला? हाँ जैसे आपने ये नंबर नहीं दिया है लेकिन फिर भी मैंने नंबर लिया है, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको बुरा लगा कि मैंने नंबर दिया है तो आप मुझे ब्लॉक कर सकते हैं। फिर मैं सोचू इतना बड़ा आचार्य है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ पूछना होगा या फिर संस्कृत में कुछ जानना होगा तो पूछ सकते हैं, रख लेते हैं नंबर करके, फिर डिलीट नहीं करी, मतलब इतने बड़े गुरु जी थे तब वो डिलीट करना अपमान होगा ऐसा टाइप का था, लेकिन बोल सकते हैं चोरी किया है मेरा नंबर। हाँ, मैंने चुराया गया, मैंने चोरी से एक नंबर ले हूँ, कबर किए तो मोला दीस नहीं, मोला ये बता अगर मैं नंबर मांगते हूँ तो आप मुझे देते कि नहीं? नहीं देते आचार्य जी को नहीं देते? क्यों ना ना इमेज खो देते ना फिर आचार्य जी और लड़की से नंबर मांग रहा है तो बात हो ब्रह्मचारी नहीं है करके पता चल जाता। ठीक है, तो ये बात है और नया नया ट्रिक जाने पर मिला था आप मल्ला। अच्छा एक बात हूँ, जब मेस में खाना खा बार गए रहे मतलब भोजनालय में, ऊपर से पहले मेघा मतलब ऐसे बता मेरे को क्या बोली, वो अकेले में आप उससे प्यार करते हो ना ऐसे बोली? दो दिन में प्यार कैसे हो गया? हाँ सच में नहीं प्यार बोली या फिर आप उसको लाइक कर, आप, लाइक कर हाँ, करती है। आप उसको लाइक करती हो ना, आप मंजू को लाइक करते हो ना ऐसे बोली, तो मैंने शायद हाँ बोल दिया था यार, ध्यान नहीं है मुझे क्या बोला था लेकिन आई थिंक मैंने हाँ बोल दिया था, तो वो बोली वो, नहीं वो बोली वो तो नेपाली है ऐसे बोली,
तो मैंने बोला है तो नेपाली जैसी लगती नहीं है, तो बोले हाँ वो नेपाली है। तो फिर मैंने कहा हाँ नेपाली है भी, तो क्या हुआ ठीक है ऐसे बोला। हाँ दिक्कत थोड़ी है नेपाली। हाँ तो ये बात है, हमारा ढिमरा है रे, मेरे को कोई इशू नहीं था ढिमरा से। उस समय आप मेरे टाइटल नहीं जानते थे क्या था? तो ये सही चयन हुआ ना कि नहीं पता टाइटल क्या है वो मैं क्या है? था कौन से जाति का था कुछ अता पता था ही नहीं, क्योंकि मैं अपने नाम में अपना जाति कहीं पे लिखता ही नहीं था। ढीमर बोलने से भी तो मेरे को कौन सा पता चल जाता। हाँ ढीमर बोलने से भी थोड़े पता चल जाता। तो फिर खाना वाना खाए के बाद फोटो वोटो खिंचा के बाद जो है नंबर वंबर सेव करे के बाद जो है आप सब जन जायल लग गए और अंतिम विदाई लेना रही से। तो लेडीज सेक्शन में घुस के मोला ढूंढत रही से किधर करके मैं तो मैंने पूछी कहाँ जा रहे हो लेडीज सेक्शन पैसे करके, तो ना आप ही को ढूंढने आ रहा था ऐसे करके बोले। तो मैं बैग लेके जा रही थी, लाओ मैं बैग उठा देता हूँ ऐसा करके, तो मेरा बैग लेके एकदम पूरा बस जहाँ तक था वहाँ तक जाने लगे। अरे मतलब जो बड़े से एरिया रही से वहाँ से मेन गेट तक जाना रही से। कहाँ मेन गेट, पूरे बस में जहाँ पे लाइन खड़ी थी वहाँ तक चढ़ाने गए थे। तो वो मेन गेट के बाहर में ही तो बस खड़े जो भी हो, मेरे ग्रुप वालों ने बोल दिया आचार्य जी आपको इधर नहीं उधर जाना है, बैग हमको दे दो, हो गया अब जाओ ऐसे बेइज्जती करके भगा दे रहे टूटा को। फिर आगे क्या हुआ? फिर घर चले गए हम लोग, मुझे तो वहाँ से पटना जाना था। सुनो बता रहा हूँ, उससे पहले ये हुआ कि जब आप वहाँ से निकल रहे थे तो फिर आपने कहा, मतलब मैंने ये कहा कि हम लोग अब कब मिलेंगे, तो आपने कहा कि दुनिया गोल है। नहीं बोला था मैंने। अरे बोला था, मुझे अभी भी याद है आपने ये कहा था दुनिया गोल है, हम लोग मिलना होगा तो फिर मिलेंगे। ये आपको क्या अजनबी से कब मिलेंगे फिर से पूछना? पूछा था कि नहीं पूछा था, मतलब कुछ ना कुछ बात हुआ था। फिर कब मिलोगे? आप ही ने बोला होगा दुनिया गोल, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। आपने कहा था कि दुनिया गोल है, हम लोग दुनिया गोल है, हम फिर मिलेंगे। नहीं, आपने ये नहीं कहा था फिर मिलेंगे, आपने ये कहा था दुनिया गोल है बस। मैंने जोक मारा होगा, क्या मारा मुझे नहीं पता, लेकिन आपने वो जोक था दुनिया गोल है मिलेंगे कर दो बेचारे को दिल पे बुरा ना लगे। लेकिन मोला तो यही लगी इसके दुनिया गोल है, मतलब कि घूम के कभी ना कभी मिलेंगे, और मैं यही मान लिया कि मिलेंगे और मिल भी गए। वो समय बोला ऐसे लगी इसकी यार इतना मेहनत के बाद जो है ना इतना समय के बाद एक जो है कन्या मिली से एकदम मन पसंद के कन्या मिली से। होकर परिणाम बोला सच्चाई ये मोला वो कोई भी कन्या पसंद आए ही नहीं रही से, अकर से पहले मतलब एकदम दिल से पसंद कोई भी नहीं आ रही से। वैसे तो कोई भी कन्या जो भी सुंदर रहते वाला देख बेता कुछ ना कुछ हो जाते वो बात अलग है, लेकिन एकदम दिल से मतलब कि विवेक पूर्वक अगर सोच बे कि हाँ भाई ये गुण भी अच्छा ऐसा वैसा दुनियादारी, तो फिर कोई भी कन्या मोल पसंद नहीं आ रही से। लेकिन रेला देखे हाँ भाई योगा वाली है, वेजिटेरियन है, डांसर भी है, कराटे वराटे भी सीखते हैं, सुपर डुपर फ्लेक्सीबल भी अच्छा। हाँ जब बेला जब हम योगा करते रहे ना तभी ऐसे पूरा ऐसे हो जाए, क्या हो जाए पैर ना ऐसे पूरा विभक्त आसन। हाँ विभक्त आसन मतलब कि बड़ा इंसान ऐसे करके पैर हाँ, जो नीचे बैठ जाए। हाँ मतलब पैर पूरा ऐसे फैला दे आजू बाजू लेफ्ट राइट पैर पूरा फ्लैट हो जाए। फिर आप हाँ, प्रेस हो गए थे। हाँ मतलब वो चीज मोड़ से नहीं हुआ था मतलब आपसे कठिन आसन करती थी। हाँ ये मैं कहा अरे तो सुपर डुपर फ्लेक्सीबल है ये, मैं तो इसी को जो है ना साला अटकाऊंगा और यही होगी मेरी बोल के। तब से मतलब दो दिन हुआ नहीं देखे, मतलब तभी सोच लिया यही होगी मेरी और इसी से शादी करूंगा, पता नहीं क्या क्या लड़के लोग इतना आगे तो कैसे सोच सकते हैं। मैं तो 5 साल बाद ही सोच रही थी कि पता है नहीं ये तो नहीं होगा लगता है। ये 2 दिन में बीवी बनने की सोच ली। अच्छा ये बताओ आप लास्ट क्वेश्चन, जब आप जा रहे थे गुवाहाटी से बस में बैठ रहे थे तब मेरा चेहरा कैसा था आपको पता था ना? मतलब मैं तो पूरा मतलब वो हो चुका था कि अरे यार खत्म, मुंह बना के खत्म हो जा रही मैं तो खत्म अब तो दैन हो गया अब तो कभी नहीं मिलेगी खत्म टाटा बाय बाय ऐसा हो गया था मेरा दिमाग ठीक है। और मजनू बन गए थे मजनू। आप क्या सोच रहे थे बताओ? मेरे को क्या मेरे को तो टेंशन था क्योंकि वहाँ से जाते ही मुझे तुरंत पटना के लिए निकलना था, सोचने का टाइम ही नहीं पटना था के बारे में ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं था। मेरे को तो बहुत सवाल भी मैं तो सीरियस नहीं थी यार, मैं बस ऐसे ही एक दिन सीरियस हो गई तो ठीक है चलो शादी कर लेते हैं बोल के कर लेंगे। तो संगवारी हो ये बात, मैं ना कभी सीरियस नहीं रहती लड़कों के मामले में, मतलब नहीं रहती थी चलो ठीक है आज हाँ बोल रहा है कल को वो ना भी तो हो सकता है ऐसा करके, अब कब टूटेगा या कब खत्म होगा बोल नहीं सकते ना इन सब बातों में, कोई परमानेंट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैंने सोचा मतलब इतना अपने में कंट्रोल था कि टूट भी जाए तो कोई नहीं, मतलब ठीक है दूसरा देख लेंगे ऐसे टाइप से, एकदम यही होगा ऐसा करके नहीं था। लेकिन हाँ वेजिटेरियन है तो मैंने सोचा मेरे को बनाना नहीं पड़ेगा
पड़ेगा नॉन वेज, मेरे को बर्तन नहीं मांझने पड़े, तो वो प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं था जिसने 5 साल तक खींच के रखा, कहीं जाने नहीं दिया और शादी भी करवाया। वीडियो हा आप मन लग कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताओ, अच्छा लगे तो लाइक कर दो शेयर कर दो। तो संगवारी हो ये तरी समर्पण के सिर्फ 2 दिन के स्टोरी, जे दिन हमन मिले न और जे दिन हमन बिछड़े हैं, एक आगे के भी और कई सारा स्टोरी है जिला जाने मन। आप मन चैनल में बने रहो और सीजी के पारस का सब्सक्राइब कर ले रहो। आज के वीडियो ला बस इतनी दूर तक, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।